नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओरियो बिस्किट से चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। ये मार्केट से भी बहुत अच्छा बनता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें मेन मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 2 पैकेट मीडियम साइज़ के ओरियो बिस्किट लिया है, आधा छोटा कप रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, 1/4 कप दही लिया है, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है मैंने, और 1 चम्मच घी लिया है। आप इसकी जगह बटर ले सकते हैं, या दूध की मलाई ले सकते हैं, या क्रीम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बिस्किट को पैकेट से निकाल लिया है। अब मैं इन बिस्किट को आराम से खोलकर इनकी ये क्रीम हटा दूंगी इस तरीके से। सभी बिस्किट की मैं क्रीम हटा दूंगी। देखिए, मैंने सभी बिस्किट की क्रीम को हटा दिया है। अब मैं इनके थोड़े टुकड़े कर इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। देखिए, मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अच्छा दोस्तों, मैं आज को आपको ये केक कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ विदाउट ओवन के। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस मिक्सचर को हम इसका केक का बैटर बनाएंगे। इसमें दही भी डाल देंगे। आराम से इसको चलाते हुए हमें इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। देखिए, हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है, देखिए इस टाइप से। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 चम्मच घी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब हमें इस मिक्स को 10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देना है। देखिए, इसको देखिए 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है। देखिए, इतने हमारा केक का मिक्सचर थोड़ा रेडी होता है। इतने मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कढ़ाई को कैसे रेडी करना है केक को बेक करने के लिए। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसको गैस पर रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप नमक। ये नमक मैंने कई बार बेकिंग में यूज़ कर लिया था, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं रख दूंगी 1 बर्तन रखने वाला स्टैंड। बस इसको अभी मैं गैस सिम करके प्री हीट करने के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। केक को बनाने के लिए मैंने इस टाइप का एक एल्यूमिनियम का डब्बा ले लिया है और इसके साइज का मैंने 1 बटर पेपर काट लिया है। अब मैं इसको ग्रीस कर दूंगी। बटर पेपर को लगाने से क्या होता है कि आपका केक जो है चिपकता नहीं है। नहीं तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप उसकी जगह इस पर थोड़ा घी लगाकर, घी या ऑयल लगाकर इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसको, उससे भी आपका केक नहीं चिपकेगा। देखिए, हमारा ये डब्बा रेडी हो चुका है केक का बैटर ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं। देखिए, हमारे बैटर सेट हो गया है, लगभग 10 मिनट के करीब हो गए हैं। इसे हमें थोड़ा सा और वो करना है बीट। और अब हम इस स्टेज पर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद बस आपको तुरंत इसे बेक होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसके, देखिए, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच, बिल्कुल 1/4 इतना सा बेकिंग सोडा। इस पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा दूध। बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अपने ग्रीस किए हुए डब्बे में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, हमारा ये कढ़ाई भी सेट हो गया है। बस अब हम सिम गैस करते हैं और इस केक को अपने बेक होने के लिए 30 मिनट के लिए हम इसमें रख देते हैं। देखिए, करीब 1/2 घंटा हो गया है। अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। इसमें हमें एक नाइफ डालकर
देखिए हमारा नाइफ बिल्कुल साफ निकल आया है, तो हमारा केक यानी रेडी है। बस अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। इसमें मुझे इस केक को बेक करने के लिए 30 मिनट लगे हैं, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपको नाइफ साफ ना निकले तो आप 5-6 मिनट और छोड़ दीजिए। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे इस बर्तन से निकाल लेते हैं। पहले चाकू से थोड़ा किनारे हटा देंगे और फिर हम इसे एक प्लेटफॉर्म पर हल्का सा टैप करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम अपने केक को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब आती है दोस्तों हमारे केक को थोड़ा डेकोरेट करने की बारी। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप लिया है और इस शुगर सिरप को मैं थोड़ा थोड़ा करके इस केक पर लगा दूंगी। इससे केक में बहुत ही एक टेस्टी स्वीट सा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा स्मूथनेस भी इसकी बढ़ जाती है एकदम। ये देखिए अब मैं ले रही हूँ वो क्रीम जो मैंने ओरियो बिस्किट के बीच से निकाली थी। इसको मैंने थोड़ा सा चलाकर स्मूथ कर लिया है और अब इसकी एक लेयर मैं इस केक पर लगा दूंगी। हाँ देखिए इस तरीके से मैं इसे पूरे इस केक पर स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं अपने केक के जो आधा हिस्सा और मैंने कट किया था, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसको इस पर रख दूंगी। थोड़ा हल्का सा इसको मैं टैप टैप कर दूंगी। अब मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को पिघला लिया है इसको, अब इसको मैं इस अपने केक पर डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से इस पर स्प्रेड कर घुमाते हुए इस पूरे केक पर फैला लूंगी। ये बस बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और आपका केक डेकोरेट भी हो जाएगा और खाने में तो ये बहुत टेस्टी है ही। बस इसको हम अच्छे से देखिए हमने अच्छे से पूरी चॉकलेट को इस पर लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं इसको 5 मिनट के लिए। देखिए 5-10 मिनट में हमारा चॉकलेट बिल्कुल सेट हो गया हमारे केक पर। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 ओरियो बिस्किट्स को ऐसे हाफ में काट लिया है और कुछ जेम्स ले लिए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम और डेकोरेट कर देते हैं। देखिए अब हम इनके बीच में लगा देते हैं जेम्स। तो है ना देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका केक को डेकोरेट करने का और बनाने का। अगर आप मेरे स्टेप से केक को बनाएंगे तो आपका केक एकदम स्पंजी और मार्केट से भी बहुत अच्छा बनेगा। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये केक घर में बनाया है। देखिए हमारा ओरियो चॉकलेट केक बनकर रेडी है एकदम। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।